नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से आज हो सकती है पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच कर रही सीबीआई टीम आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश मिलने के बाद लगातार सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। अब तक सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त, उनके कुक समेत कई लोगों से पूछताछ की है। वहीं आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। रिया को सीबीआई के जरिए समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई सारी बातें सामने आई हैं। सुशांत के पिता केके सिंह की तरफ से दायर किए गए मामले पर कई गंभीर बातें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कही गई हैं। उन पर सुशांत सिंह राजपूत पर दबाव बनाने की बात भी कही गई है। दावा तो यह भी किया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए भी निकाले थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफे की खबर साबित हुई गलत। बीते दिन बिहार में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही थी। सोशल मीडिया में यह बात सामने आई थी कि शायद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि यह खबर किसने उड़ाई, इस बात की कोई जानकारी फिलहाल नहीं लगी है, लेकिन रविवार से यह खबर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी। जिसके बाद मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद इन सभी बातों पर जारी अटकलों को दरकिनार किया है और साफ तौर पर कहा है कि यह पूरी तरीके से अफवाह है। इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जिससे किसी ने भी इस तरह की खबर फैलाई है वो पूरी तरीके से गलत है। इसे आप किस स्तर की पत्रकारिता कहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत ईवीएम जांच का पहला चरण हुआ पूरा। कोविड-19 के माहौल में बिहार में पहला चुनाव होने जा रहा है। हालांकि चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण के ईवीएम जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन सभी जिलों में जून के अंतिम सप्ताह में ही मंगवा ली गई थी। वहीं इसके बाद आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी को सभी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू करने का निर्देश दिया था। इसी प्रक्रिया के तहत करीब 1.5 महीने से सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीन की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी जिलों में FLC की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर ANM कर्मियों ने किया विरोध। राजधानी पटना में ANM ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव किया है। ANM अपनी मांग को लेकर लगातार विरोध कर रही है। मौके पर मौजूद अन्य ने सरकार के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी की है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी खूब बयानबाजी की। ANM अधिकारियों का कहना है कि दिन रात लोगों की सेवा में अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी नौकरी नियमित नहीं की गई है। साथ ही मानदेय भी सही समय पर नहीं दिया जाता है। इसी के आलोक में उन्होंने समान काम के बदले समान वेतन की मांग भी रखी और साथ ही उन्होंने सख्ती से यह भी कहा है कि जल्द ही से जल्द उनके मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन विरोध करने का फैसला लिया गया है। ANM स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि यह लोग 13 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं और 2017 में संविदा ने वादा किया था कि लोगों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की औकात नहीं तोलने की दी नसीहत। जो आप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सिकरा में वो मधुबनी पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, बिहार सरकार के खिलाफ बयानबाजी की। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के समय सरकार को गरीबों की याद आ रही है। इससे पहले लाठी और डंडे जब बरसा रहे थे तो बिहारवासियों की कोई याद नहीं आई। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के समय याद आया कि देश के 130 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। औकात दिखाते हैं कि हम नवंबर तक 5 किलो अनाज, अरवा चावल और 1 किलो चना दाल और दे देंगे, जिसके बाद मोदी बिहार की इतनी औकात मत दिखाइए। 4 महीने तक बिहारियों के साथ बुरा बर्ताव करने वाले नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से बात तक नहीं की। पप्पू यादव ने कहा कि लोग लॉकडाउन से पहले और साइकिल से चलकर दूसरे राज्य से वापस आ रहे थे, अगर सरकार ने उनकी मदद नहीं की है, मगर 76 दिनों में हमने 10,78,000 परिवारों को 1 महीने तक मदद की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जू में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने की कही बात। पटना जू में दर्शकों को अब हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयोजित कार्यक्रम में पटना जू में मुफ्त वाईफाई सुविधा मुहैया करवाने की बात कही है, जिसमें दर्शकों को वाईफाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा, साथ ही साथ पशुओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसके साथ ही पूरा संरक्षण भी किया है और प्रजनन केंद्र के पास पौधारोपण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने घड़ियाल इन्क्लोजर, दो सिंह वाला गैंडा इन्क्लोजर, गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र और हाईलाइन क्लोजर के लोकार्पण के जू में जिराफ और दो सिंह वाले गैंडा के खानपान दिनचर्या और समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी भी ली है। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान 4 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। इसके तहत पर्यावरण विभाग में कोविड-19 संक्रमण के दौरान वन जीवों की बेहतर देखभाल के लिए कोविड-19 वॉरियर्स के रूप में 34 कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सेवा शर्त के खिलाफ
खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने सड़कों पर उतरने का किया ऐलान। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लंबे समय से सेवा शर्त और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक अब सड़कों पर उतरने वाले हैं। हालांकि चुनाव को नजदीक आता देख बिहार सरकार ने उनकी मांग पूरी की है। 15% वेतन वृद्धि के साथ सेवा शर्त भी लागू कर दिया गया है, मगर अब शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सेवा शर्त पर आपत्ति है। इसके खिलाफ ही सभी नियोजित शिक्षक फिर से विरोध करने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी की है। पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षकों ने इसी को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने बताया है कि 5 सितंबर को पूरे राज्य में शिक्षक अपमान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर स्कूल जाएंगे और शिक्षक दिवस समारोह का खंडन भी करेंगे। 12 सितंबर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सभी प्रखंडों में जुलूस निकालेंगे। 19 सितंबर को पूरे राज्य भर में विरोध किया जाएगा। साथ ही विधान परिषद चुनाव और एनडीए प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया जाएगा। बिहार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू की पहल। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी पहल शुरू कर दी है। जिला और राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन समिति का गठन भी कर दिया गया है। यह समिति निर्यातकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का काम करेगी। केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग विभाग के बीच समन्वय भी बढ़ाई जाएगी ताकि निर्यातकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य स्तरीय समिति विकास आयुक्त की तरफ से जिला स्तरीय समिति जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में करवाई जाएगी। बिहार के भागलपुर सिल्क और मखाना विश्व स्तरीय है। आम, शाही, लीची, हर चीज सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से यहां से निर्यात की जाती है। अब ऐसे सभी उत्पादों के सीधे निर्यात से राज्य के व्यवसाय और उत्पादकों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए केंद्र और राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए राज्य और जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया है। इन समितियों में राज्य के साथ केंद्र के अधिकारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि राज्य के निर्यातकों को सुविधा दी जा सके। सीबीआई ने डीआरडीओ ऑफिस में सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और हाउसकीपर नीरज से की पूछताछ। सीबीआई ने डीआरडीओ ऑफिस में एक साथ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और हाउसकीपर नीरज से पूछताछ की है। नीरज से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की गई है। रविवार को भी सिद्धार्थ से पूछताछ की गई थी। नीरज और सिद्धार्थ ने शनिवार को सीबीआई को पूछताछ के दौरान कोई खास जवाब हालांकि नहीं दिया था। वहीं रविवार को सबको साथ बिठाकर करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई है। उसके बाद तीनों को सीबीआई द्वारा सुशांत के फ्लैट पर लेकर पहुंची थी, जहां पर सीबीआई सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर केसरी छाबड़ा से भी पूछताछ करने पहुंची। हिंदुजा अस्पताल गई थी, साथ ही डॉक्टर छाबड़ा ने सुशांत का इलाज किया था और पटना पुलिस भी डॉक्टर छाबड़ा से पूछताछ कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के हाउसकीपर नीरज सिंह द्वारा पुलिस को दिए गए बयान सामने आए हैं। उसमें नीरज ने कहा है कि 8 जून को रिया घर में ही थी और कहा था कि मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी। उन्होंने उसी दिन यह तय भी किया था कि वो वहां से जाने वाली है, जिसके बाद वो भाई शोविक के साथ वहां से चली गई थी। 8 जून को सर और मैम के साथ क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। रिया मैम ने जाने के बाद सर पूरी तरीके से कमरे में बैठे रहते थे। बाद में सर की बहन मीतू मैडम उनसे मिलने आई थी। 31 अगस्त से चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस। कोविड-19 के माहौल में बिहार में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां नए नए तरीके अपना रही है। वहीं कांग्रेस भी 31 अगस्त से चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दी है। पार्टी ने मतदाताओं से सीधे जुड़ने के लिए 125 से ज्यादा वर्चुअल रैली का ऐलान किया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार आलाकमान के निर्देश के बाद कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र स्तर पर नेताओं को सूची तैयार कर ली है, जिसके बाद नेता होंगे जो वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश नेतृत्व ने जो लिस्ट थमाई है उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, जयराम रमेश, डॉक्टर शकील अहमद, मल्लिकार्जुन खड़गे और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के नाम शामिल है। यहां पर 10 से 12 लाख कार्यकर्ताओं से जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग करेंगे सड़कों का विस्तार। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने का काम करेगी, जिसके लिए पथ निर्माण विभाग को कार्यभार सौंप दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग इन सड़कों को खुद क्रिएट और फिर विस्तार करेगी, जिसके लिए योजना बना रही है। विभाग ने अभियंताओं से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। शनिवार को विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने इस मामले में विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक कर जानकारी दी है, जिसके तहत ग्रामीण सड़कों पर ट्रैफिक लोड अधिक होने की बात भी कही गई है। उन्हें अपग्रेड करने और साथ ही पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित करने का आदेश आमतौर पर दे दिया गया है। इन पथों को स्थानांतरित करने के लिए स्थानीय विधायकों और सांसदों की बार बार सिफारिश भी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब कोई भी सड़क ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित नहीं की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग स्वयं इनको अप्रूव और अपग्रेड करेगा। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए कामगार मिथिला पेंटिंग के सहारे बदल रहे हैं बिहार की सूरत। कोविड-19 के माहौल के दौरान लॉकडाउन बेरोजगार हुए कामगारों में दरभंगा में काम की शुरुआत की गई है। इस पहल से वैसे लोग लाभान्वित हुए हैं जिनका रोजगार बंदी के कारण पूरी तरीके से छिन गया था। जिलाधिकारी की पहल से जहां शहर को सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं रोजगार का नया काम भी शुरू हो रहा है। वहीं कोविड-19 के समय में लंबे समय से लॉकडाउन के कारण आम लोगों के जीवन के
पटरी से उतर गई थी। वहीं ऊपर से उत्तर बिहार में बाढ़ की परेशानी ने सबकी परेशानी और बढ़ा रखी थी, जिसके बाद डीएम के आदेश के बाद दरभंगा के सर्किट हाउस और डीएम दफ्तर के कई जगहों पर मिथिला पेंटिंग में बड़े पैमाने पर 44 की संख्या पर कलाकार लगाए गए हैं। मिथिला पेंटिंग में महिला पुरुष दोनों कलाकार दीवारों पर अपनी कला का अद्भुत कौशल भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर दीवार पर बनाई गई ज्यादातर तस्वीरें कोई ना कोई संदेश देने का काम कर रही है। काम मिलने से यह सभी कामगार बेहद ही खुश है, को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें यह काम मिला है। कामगारों का कहना है कि रोजगार मिलने से थोड़ी आमदनी में आज जागी है, जिससे परिवार चलाने में आसानी होगी। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में राज्य के ही लोग बनेंगे शिक्षक। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत के अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5वीं तक के टीईटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। केवल स्नातक डिग्री और बीएड उपाधि की अनिवार्यता ही देखने को मिलेगी। यह प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से अधिसूचित की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक प्रधान और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए हैं। शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरा होने पर ही प्रोन्नति दी जाएगी। 15,000 प्रति महीने के वेतन दर के हिसाब से आईपीएस के लिए सरकार आवश्यक अनुदान देगी। इसके साथ ही सेवाकाल के दौरान जान गंवाने वाले आश्रितों को एक वयस्क सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। हालांकि नियोजित शिक्षकों के पास पहले यह सुविधा नहीं थी। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 31 लाख के पार। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गया जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में 61,408 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 31 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में संक्रमितों की संख्या 31,06,348 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 836 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या 57,572 पर पहुंच गई है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 23 अगस्त तक देश में 3,59,02,137 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 6,09,917 नमूनों की जांच रविवार को हुई है। मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देश में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां पर अब तक कुल मिलाकर 22,253 लोगों की जान जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था का सुधार करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।